हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अगर मिसकैरेज हुआ है तो आपको एक्सरसाइज या फिर रनिंग करना कब से शुरू करना चाहिए। कई सारे फीमेल का सवाल ये आता है कि हमने एक हफ्ते बाद ही, यानी कि मिसकैरेज के एक हफ्ते बाद ही रनिंग करना या फिर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था तो हमको ब्लीडिंग होना शुरू हो गया था, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज या फिर रनिंग कब से शुरू करना चाहिए। तो आज की वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े इस वीडियो में। तो देखिए, अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो आपको कम से कम दो हफ्ते तो आपको कोई किसी तरह का भारी काम नहीं करना है, जैसे हार्ड एक्सरसाइज हो गया या फिर आपको रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, इस तरह के जो हैवी एक्सरसाइज हैं वो आपको अवॉइड करनी है दो हफ्ते तक। दो हफ्ते के बाद भी अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको लिथार्जी यानी थकान महसूस नहीं हो रही है, पूरी तरीके से आप अच्छे से फिट हैं, तब आप एक्सरसाइज कर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करनी है, यानी कि शुरू के दिन ही आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं कर लेनी है, आपको हल्की एक्सरसाइज से शुरू करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको बढ़ाते रहना है। दो हफ्ते बाद भी आपको जब ब्लीडिंग अच्छे से स्टॉप हो जाती है तो तभी आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लीडिंग चल रही है और उसी दौरान आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे करने से क्या होगा कि आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है, इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आपको जब तक आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती, पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाती, आपकी थकान सब कुछ, कमजोरी, वीकनेस सब कुछ ठीक नहीं हो जाती, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज या फिर रनिंग या फिर हैवी वर्क आप शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले करेंगे तो आपको जो है ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि मिसकैरेज के दो हफ्ते से पहले पहले आपको कोई भी हैवी काम नहीं करना है, एक्सरसाइज हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है दो हफ्ते तक। उसके बाद भी जब आप फिट महसूस कर रही हैं, अपने आप को कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, उसके बाद तब आप शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो छोटा था और हेल्पफुल था, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो घंटे का बटन है उसको भी दबा के जरूर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, तभी आने वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लाने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।